माजी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में बुधवार को एल्डिको कंपनी द्वारा दिव्यांग जनों को कृत्रिम और सहायक उपकरण वितरण के लिए मूल्यांकन तथा पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में दिव्यांग फौज नहीं बल्कि अवसर है। वह अपने हुनर से स्वयं को सबल बनाने के साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। शिविर को छपरा सदर SDO संतोष कुमार राय, BDO रंजीत सिंह, CO धनंजय कुमार के अलावा भाजपा नेता हेम नारायण सिंह, मकेश्वर सिंह, अमरजीत सिंह, रमाशंकर मिश्र, शांडिल्य मनोज प्रसाद तथा जय किशोर सिंह आदि ने भी संबोधित किया। संचालन बबलू शर्मा ने किया। माझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सभी अधिकारियों के द्वारा और जो इसके सहयोगी पार्ट थे उनके द्वारा आया कि और जगह जहां सर्वे हो गया उसका वितरण हो जाए, फिर बाद में मांझी और एकमा का होगा। मैंने थोड़ा हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि नहीं, पहले मांझी और एकमा का भी सर्वे कराओ और एक बार भी सभी को वितरण करने का काम करो, क्योंकि आपको अगर चला जाएगा साहित हो जाएगा तो पेंडिंग पड़ जाएगा और होगा कि आपके लोकसभा में तो जब काम हो गया वितरण का तो मैंने उसको तुरंत इनके बड़े अधिकारियों से भी बात किया और उसी के फलाफल में आज आपका यह सर्वे का काम हो रहा। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। योग हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें मानसिक रूप से फिट रहने के लिए और शारीरिक फिटनेस के लिए योग भी आवश्यक है। योग कोई सिर्फ स्वास्थ्य व्यक्ति करे ऐसा नहीं, योग आप दिव्यांग भाई और बहनों के लिए भी है। आपके लिए वह हो सकता है कि दौड़ वाला वह योग नहीं हो, योगा नहीं हो, लेकिन आप बैठ करके चाहे जिस भी परिस्थिति में है उसके अनुसार योग कहीं ना कहीं आपको उस पर लाभ आपके जीवन को और मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें सहयोग करने का काम करेगा। मैं आज योगा दिवस के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन पूरा दुनिया सुबह सुबह ही ओम के जयकार से गूंज उठा था। दुनिया का कोई देश नहीं जहां आज योगा के लिए ओमकार का जयकार नहीं हुआ और यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें भारत के वासियों के लिए, भारतवंशियों के लिए इससे बड़ा गर्व नहीं हो सकता कि हमारा लिया हुआ या प्रयास किया हुआ प्रयास आज दुनिया उसको अपनाने का काम कर रही है। इस प्रयास को देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, पहल किया, आज दुनिया में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 बार से ज्यादा छठा अंतर्राष्ट्रीय यह योगा दिवस संपन्न हो चुका है। आज हम उसको और मजबूती से आगे हमने बढ़ाने का काम किया है और मैं तो यह चाहता हूं कि भारत को दुनिया का दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स। हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।